पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवते बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यं कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः तस्मै पाणिनये नमः ॐ शान्तिः 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 नमः शिवाय। नाझलो 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 सावर्ण्य का निषेध करता है, सावर्ण्य का निषेध करता है। और इसमें आ का प्रश्लेष किया है, आ को जोड़ा गया है। वच के साथ किसको जोड़ा है? आ को जोड़ा है। तो आ को जोड़ने से तो हकार से आ का ग्रहण नहीं होगा। किससे? हकार से। हाँ, ह का सवर्ण आ होगा नहीं, तन्मय ना। तो कंठ भी समान है कि नहीं? समान। आ और ह में उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, विवृत में सरणाम है। और हकार का भी विवृत में कर लिया ना यहाँ पर सिद्धांत कुमुदी में, इसलिए स्पृष्ट ये क्या बोलते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न हो गया विवृत और उच्चारण स्थान हो गया कंठ, है ना। इसलिए ह और आ में सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए, न हो इसके लिए किसका प्रश्लेष किया? आ का प्रश्लेष किया। किस सूत्र में? ना चलो। तो इसका फल ये हुआ कि विश्वपा भी में होड़ा नहीं लगा, होड़ा नहीं, नहीं लगा। क्यों लग रहा था कोई बता सकते हो? कोई बता सकते हो? आप बता सकते हो, बोलो। विश्वपा में जो आकार है उसका साथ आकार का सवर्ण हो जाएगा तो स्वादिष्ट सवर्ण स्थान से पसंद हो जाएगा। पसंद जाने से होड़ो से ढोकर का प्राप्त होगा। किसके स्थान पर? आकार का स्थान पर। आ के स्थान पर हो मान करके ढकार होना चाहिए था, अब ढकार नहीं होगा, है ना। विश्वपा भी इत्यत्र होड़ा इति ढत्तम न भवति, ऐसा मूल में आया। समझ में कि नहीं आया? तो तत्वबोधिनी में 27 नंबर पृष्ठ में ये चल रहा है। तो कोई कहा कि भी आकार का प्लसलेस न करते तो संयोगांत से लोप प्राप्त होता, क्या प्राप्त होता है? है संयोगांत से लोप प्राप्त होता है। क्यों क्यों प्राप्त होता है? बोलो, आप बोलो। संयोगांत से लोप प्राप्त होता है कहाँ पर, कैसे? जैसे विश्वपा में आ को अगर ह मानते तो आर को संयोग होने से फिर संयोगांत से लोप प्राप्त होता है। संयोगांतम यत पदम तदंतस्य का, किसका लोप होता है? आ का लोप होता है। किसका लोप होता है? आ का लोप होता है, ठीक है। तो नहीं होगा तो ये कहना चाहिए था, है ना। हाँ, न तो ढत्तम, ढकार नहीं होना चाहिए था। ढकार भी तो प्राप्त था जी। आ के स्थान पर ढकार प्राप्त था जी। है कि नहीं? तो ढकार न होना चाहिए था, संयोगांत लोप होना चाहिए था। क्यों? असिद्ध हो जाता। कौन असिद्ध होता? होड़ा सूत्र असिद्ध होता है किसके प्रति? संयोगांतस्य लोप के प्रति। क्यों?
दोनों त्रिपादी है, त्रिपाद्यम अपि पूर्वम प्रति परशास्त्रम असिद्धम, दोनों त्रिपादी के है। कौन कौन सूत्र? संयोगांत से लोप और होड़ा सूत्र। होड़ा सूत्र पर है और संयोगांत से लोप पूर्व है, इसलिए पूर्वम प्रति परशास्त्रम असिद्धम, इसलिए संयोगांत से लोप होना चाहिए था ढकार, इसलिए क्या हुआ अतो अत्र। ये जो कहा था ना मूल में, मूल में क्या कहा था बताओ, क्या कहा था? विश्वपाभि इत्यत्र होड़ इति ढत्तो न भवति, ये कहा था कि नहीं? किसने कहा है? भट्टोजी दीक्षित। तो तत्वबोधिनीकार कहते हैं पूर्व पक्षी के अनुसार कि अतो अत्र संयोगांत लोप न भवति, संयोगांत से लोप है न भवति ऐसा कहना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था? संयोगांत से लोप न हो, इसलिए ना चलो में किसका प्रश्लेष किया? आ का प्रश्लेष किया। आ का प्रश्लेष न कहने से किसका लोप होता है? आ का लोप हो जाता है। किस सूत्र से? संयोगांत से लोप किस सूत्र से? संयोगांत लोप सूत्र से लोप न हो, इसलिए आ का प्रश्लेष किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया। फिर भी यहाँ पर कहते हैं तो एक संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र को लेकर की प्रक्रिया है। एक तो कह दिया कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, क्या कहा? हाँ, कार्यकालम का अर्थ क्या है ज्योतिर्मानंद जी? कार्य मतलब विधि। क्या इसकी क्या व्युत्पत्ति बताई, याद है आपको? आपको याद है स्वरूप चेतन जी? आपको याद है? हाँ आप बताओ, देख कर नहीं बताइए। कार्य नहीं लिखे हो कल? अच्छा याद नहीं। कार्य मतलब क्या है? विधि है ना। हाँ तो कल क्या लिखे हो? कार्यणा स, कार्य मतलब क्या है? विधि है। पढ़ो एक आदमी। बोलो ज्योतिर्मानी। हाँ काल कल काल्यंते, कार्य मतलब विधि सूत्रण, विधि मतलब कौन जो विधान कर रहा है कि नहीं। काल्यंते का अर्थ आगे लिखा है, बोलो स्वसंस्कारेण स्वसन्निधिम प्राप्यते, काल्यंते का अर्थ प्राप्यंते कह दिया। काल्यंत का अर्थ क्या है? प्राप्यते है ना। विधि सूत्र हाँ के साथ जो है ना क्या करता है, ये संस्कार करेगा। क्या करेगा? संस्कार। जो संज्ञा सूत्र होता है, परिभाषा सूत्र होता है, वो जा करके विधि सूत्र को क्या करेंगे? संस्कार कर देंगे। संस्कार कर देंगे मतलब क्या? ज्ञान करा देंगे जी। धर्म के नहीं है या जैसे आप पढ़े हो शुद्धि पाश्य में है कि नहीं? तो शुद्धि पाश्य में एक विधि सूत्र है ना, पहला है। क्या विधि सूत्र है? शुद्धि पाश्य में विधि सूत्र पहला क्या आता है? इकोणचि आता है कि नहीं? तो इकोणचि आता है, वहाँ पर एक संज्ञा सूत्र लगा, बताओ आप एक। बताओ वहाँ पर एक संज्ञा सूत्र आएगा इकोणचि का, ज्ञान के लिए एक संज्ञा सूत्र आएगा, आ करके अपना ज्ञान कराएगा है कि नहीं? हाँ क्या करेगा? हाँ कौन सूत्र आएगा? आधे नंतना सहिता करके बोलेगा जी। हाँ ज्ञान कराएगा, यही शुद्धि है। सुनते कि नहीं जी। जैसे मान लीजिए कपड़ा है, कपड़ा को कपड़ा मलिन है, उसको शुद्ध करना है तो क्या चाहिए? साबुन चाहिए नहीं चाहिए? हाँ तो साबुन दुकान में है तो कपड़ा साफ हो जाएगा? कि स्टोर में रखे तो हो जाएगा? तो साबुन को जाना पड़ेगा, कहाँ तक जाना पड़ेगा? कपड़े तक जाना पड़ेगा, जाएगा मतलब कोई लेगा उसको जी। साबुन का संबंध कपड़े के साथ हो तब कपड़े की सफाई होगी जी। होगी ना होगी, आए समझ में? ठीक है। इसी प्रकार जो है वो जो है ओ चेले को जाना पड़ेगा किसके पास? गुरु के पास। नहीं तो गुरु गुरु जाएगा चेले के पास, दोनों का संबंध तो होगा तब तो जाकर एक संस्कार होगा। किसका होगा? चेले का होगा गुरु का होगा? संबंध के बिना तो संस्कार नहीं होगा ना भाई,
होगा नहीं नहीं, हम तो मन मुख्य चलेंगे तो संस्कार कैसे होगा इसी प्रकार जो है जैसे साबुन जाता है कपड़े के पास, इसी प्रकार संज्ञा सूत्र और परिभाषा है ये सब जाएंगे। जैसे इको नीचे में एक संज्ञा सूत्र गया, कौन सूत्र गया, आदिर अंत ना संहिता, जाकर बोलेगा कि इक इसको कहते हैं ई ओ रेलरी, ई का अर्थ क्या है देखो है ना, आप लोगों का स्पष्टीकरण हो ना, ई का अर्थ क्या है बताओ, ई का अर्थ संज्ञा बच्चे बच्चे, एक एक बनना करके बोलो, ईक मतलब क्या है, ईक मतलब ईक का अर्थ क्या होगा, ईक का अर्थ ई उ रि लि, वो आपने एक सवर्ण का अर्थ कह दे ईक का अर्थ हम पहला पहला ई मतलब क्या है, ई मतलब क्या है, ई मतलब संज्ञा, पहला ई मतलब संज्ञा, ई का वाच्य ई और ई का वाच्य अठारह, समझ में कि नहीं, यह पहला हो गए। फिर ठीक इसी प्रकार से ऊ कहने से ऊ का वाच्य ऊ का वाच्य ऊ और उसका वाच्य कितने, अठारह है कि नहीं, इसी पर रील री लेना है, री कहने से अठारह के तीस, हाँ तो आएगा कि नहीं आएगा, आया करके तो बोला उनतीस सपन से भी आएगा जी। तब तो दीर्घ हुआ नहीं तो सुधि में दीर्घ को कैसे होता नहीं, तो उनतीस सवर्ण से भी आएगा जी। आएगी कि नहीं आएगा, आएगा वो सवर्ण का बोधक बोधन करेगा, ये तब लक्षणा होगी। एक प्रत्यार से जो वाच्य वाच्य में जो लक्षणा करते हो, किसको लेकर लक्षणा करते हो, औंदी सवन से चा प्रत्यय सूत्र को लेकर के लक्षणा की जाती है, बात समय आई कि नहीं आई, आ गई हाँ, तो औंदी सवन से भी आएगा संज्ञा सूत्र, दो संज्ञा सूत्र आए आए ऐसा कोई बताओ कि परिभाषा सूत्र भी आएगा शुद्धि पास में जो इकोण चाहिए, कोई परिभाषा भी आता है, पहला परिभाषा क्या सूत्र आता है, पहला अलंत से आएगा, नहीं याद है आप लोगों को, पहली परिभाषा क्या आती है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, वो भी परिभाषा आएगी, क्यों आएगी क्यों आएगी, हाँ बताओ क्यों आएगी, सप्तमी सप्तमी है ना जी, क्या सप्तमी है अच्छी है ना, इसलिए सप्तमी निर्देशन विद्यमानं कार्यम वर्णांतरण पूर्वस्य अव्यवहित से पूर्वस्य बुद्धिम, ये सप्तमी होने से आ जाएगी परिभाषा। इका स्थाने, देखो स्थाने बोल दिया, स्थाने बोल दिया जी। ये स्थाने की अनुभूति कहाँ से आई, षष्ठी स्थाने जो होगा है ना, वो परिभाषा आकर के बोलेगी भाई, इक के स्थान पर बोलेगी वो, क्यों अधिकार सूत्र भी आता है, आता है अधिकार सूत्र, कौन बोल सकते हैं, इकोनिच में एक अधिकार सूत्र आता है जी। बोल सकते हैं नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हैं, इको स्थान है यण साद अच्छी संहितायाम विषय आया जी। तो इस अधिकार सूत्र भी ये सब आ करके संस्कार करेंगे किस सूत्र का, हाँ विधि सूत्र का, इसको कहते हैं कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, आया कार्यकाल का अर्थ समय आया है, तो कार्यकाल संज्ञा परिभाषम, और एक होता है यथोदेशम संज्ञा परिभाषम, उद्देशम अनतिक्रम्यति यथोदेशम, उद्देश्य मतलब क्या है, जहाँ पर संज्ञा सूत्र पढ़ा गया है कि नहीं, जहाँ पर परिभाषा, जैसे गुरु बोलेगा तुम मेरे पास आ जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ा देंगे, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे पास, तुम आ जाओ मेरे पास समय नहीं है, है कि नहीं, तो ऐसा होता है कि नहीं, तो चेले को आना पड़ेगा कि नहीं, इसी प्रकार जो विधि सूत्र जो अपना कार्य करेगा है कि नहीं, भाई ईक क्या है, यण क्या है, वच क्या है, ये ज्ञान न हो तो हाँ ये सूत्र अपना कार्य करेगा नहीं करेगा ना, इसलिए अपना ज्ञान के लिए मतलब अपने शुद्धिकरण के लिए वो जाएगा किसके पास जाएगा, गुरु के पास, तो गुरु कौन होंगे, संज्ञा वगैरह इधर ले लो और क्या, संज्ञा सूत्र के पास जाएगा, आदिर अंतरण संहिता के पास जाएगा, औणदी सवर्णस्य के पास जाएगा,
है कि नहीं, तस्मिनिति के पास जाएगा, ये जाएगा कि नहीं, इसको कहते हैं चतुर्देशम संज्ञा परिभाषम। समझ में आया? दोनों में क्या अंतर हुआ? कार्यकालम संज्ञा परिभाषम और चतुर्देशम संज्ञा परिभाषम में क्या अंतर हुआ मालूम है? अंतर मालूम हुआ? मालूम हुआ अंतर? मालूम हुआ? और किसको मालूम हुआ? दोनों में अंतर क्या मालूम हुआ? स्पष्ट नहीं हुआ ना। कार्यकालम में कौन गया किसके पास? विधि के, विधि के पास संज्ञा परिभाषा। हाँ, विधि के पास कौन गया? संज्ञा परिभाषा इत्यादि जाएंगे, ये हुआ। समझ में? और चतुर्देशम में कौन किसके पास जाएगा? विधि सूत्र जाएगा, संज्ञा परिभाषा इत्यादि सूत्र के पास। दोनों में अंतर समझ में आया? अब आया क्यों भाई, आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। ये होता है। तो तथापि आगे पढ़ें, देखो तत्व बोधने में थोड़ा क्लिष्ट प्रसंग है, तो चिंता ना करो। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम इति पक्षे, ठीक है, ये पंक्ति नागेश भट्ट की है ये। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम चतुर्देशम संज्ञा परिभाषम, ठीक है, परिभाषित दूसरे क्रम में इति पक्षे, ये परिभाषण दशर का द्वितीय परिभाषा ये कार्यकाल। इति पक्षे त्रिपादिके अंतरंगे बहिरंग परिभाषाया प्रवृत्तेर, ये देखो भैया, एक परिभाषा है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, हैं असिद्धम, हाँ जानते हो, याद है, लघुचितन कुमुदिनी में कई बार पढ़े हो, क्या परिभाषा है? असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंग कार्य करना हो तो बहिरंग कार्य क्या होता है? असिद्ध होता है, ठीक है। कौन असिद्ध होता है? बहिरंग कार्य असिद्ध होता है, क्या करना हो तो, अंतरंग कार्य करना हो तो। समझ में कि नहीं? हाँ, बहिरंग किसको कहते हैं? बहु सापेक्षम, अधिक की अपेक्षा हो तो बहिरंग है, और कम की अपेक्षा हो तो अंतरंग है। अल्पापेक्षम अंतरंगम, कम की अपेक्षा हो तो, कम की अपेक्षा हो तो अंतरंग। हाँ, लिख कर रखो, है ना। वो भी कहते हैं, ठीक है, अल्पापेक्षम अंतरंगम, बहु सापेक्षम बहिरंगम, अधिक की अपेक्षा हो तो बहिरंग, और अल्प की अपेक्षा हो तो अंतरंग। सीधा अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, समझा करो। देखो विषपा भी में क्या है? विषपा भी, ठीक है ना। तो उसमें देखो दो सूत्र प्राप्त है विषपा भी ही में। विषपा आगे तृतीय का बहुवचन, विषपा भी ही है ना, दो सूत्र प्राप्त है। क्या क्या प्राप्त है? संयोगांत से लोप होड है कि नहीं? ये होड जो है ना अपना कार्य करेगा, वो ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता है, अपना कार्य करने के लिए ज़्यादा अपेक्षा नहीं करेगा, वो हकार को ढकार कर देगा बस, बस में। और ये तो भाई संयोग संज्ञा करेगा, कौन संयोग लोप, प्रपद संज्ञा करेगा, लोप संज्ञा करेगा, ऑल ऑन द दुनिया भर का आएगा वो, ज़्यादा वो जंजाल रखा है वो, कौन ज़्यादा संसार रखा है, संयोग लोप ज़्यादा आडम्बर करता है, कोई के आडम्बर करते कि नहीं कितना, देखो भोजन करते कितना आडम्बर होता है, अरे कैसे भी थाली में डालो डालो खपा लो, उसमें क्या है, चांदी की थाली, चांदी का चम्मच, और चांदी का पटली, हैं क्या क्या है दुनिया भर का है, हैं क्यों भाई,
फिर उसको फिर जो रंगोली से करते हैं, क्या क्या करते हैं, फूल से सजाते हैं, खाना ही था दो दो रोटी, और क्या करना है इसको जी। क्यों भाई, सही है ना? वो भोजन में जितना नहीं खर्चा होगा उसमें ज्यादा खर्चा होता है, किसमें, आडंबर में। ए, राम राम राम। क्यों जी, सही है ना? दो तीन माना जी, कलयुग में आडंबर ज्यादा चलता है, दिखावा ज्यादा चलता है। तो संयोगांत से लोप ज्यादा आडंबर रखता है तो बहिरंग हो गया, अधिक अपेक्षा किया ना, और हो अपेक्षा कम किया, ज्यादा कुछ करता नहीं, बस पदांत हकार को क्या कर देगा, वो ढकार कर देगा, जल परे रहते बस। तो अल्पाक्ष कौन हो गया, हाँ अल्पापेक्ष हो संयोगांत लोप हो, संयोगांत लोप बहु अपेक्ष हो गया, इसलिए बहिरंग हो गया, बस में कि नहीं। इसलिए कौन लगना चाहिए, होड़ा लगना चाहिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन ये जो परिभाषा है, हाँ ये अभी बताना परिभाषा, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, ये जो परिभाषा है वाहा उठ सूत्र में पड़ी गई है, कहाँ पर पड़ी गई है, हाँ लिख कर रखो, वाहा उठ एक सूत्र है अष्टाध्याय है आप लोगों के पास, देखो ढूंढो तो वाहा उठ कहाँ का है, सपादि का है, लेकिन किस अध्याय का है वो देखो तो, लघु में भी है, हलंत पुल्लिंग में है, वाह उठ मिला, नहीं मिल रहा, वाह में देखो, वाह वाह बोलो, छः चार एक सौ बत्तीस, हाँ छः चार एक सौ बत्तीस लिख लो, छः चार एक सौ बत्तीस जी, वहाँ पर ही परिभाषा पड़ी गई, क्या वहाँ पर परिभाषा पड़ी गई, समझ में कि नहीं जी। तो क्या है, कोई तो सूत्र है परिभाषा सूत्र, और कोई कोई भाष्य आदि में पढ़ी गई, समझ में कि नहीं है कि नहीं, हाँ चाहे सूत्र के रूप से हो चाहे सूत्र से बाहर हो परिभाषा, उसको उसी सूत्र के ही मानी जाएगी जी। है ना जी। जिस सूत्र में परिभाषा पढ़ी गई है उस परिभाषा को उसी अध्याय की ही मानी जाएगी, मतलब उसी सूत्र के ही मानी जाएगी, ठीक है। तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, ये जो परिभाषा है कहाँ की हो गई, सपादे की होगी कि नहीं होगी, सपादे की होगी, होगी सपादे की, क्यों होगी ना, तो उसमें क्या होगा, तो लिखा ना यहाँ पर, इति पक्षे त्रिपादी के अंतरंगे, है ना, देखो ऐसा होता है ना, तो कहते हैं कि बहिरंग परिभाषया परिभाषया है अंतरंगे बहिरंग, ये जो परिभाषा है ठीक है ना भाई, इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी, मतलब क्या कहते हैं, देखो कभी कभी ऐसा होता ना, कार्यकालम और यथोदेशम, इसमें क्या अंतर बताया था अभी, क्या बताया था आपको, एक कार्यकालम में कौन किसके पास जाएगा, हाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा समझ में कि नहीं, हाँ और हाँ ठीक है, हाँ ठीक, और यथोदेशम में विधि सूत्र उसके पास जाएगा। होता क्या है कभी कभी, देखो जैसे स्वर्ग होता है ना, स्वर्ग, स्वर्ग में कौन रहते हैं, देवता लोग रहते हैं, है ना, तो वो यदि यहाँ आएंगे तो आपको दिखेगा, नहीं दिखता है, वो लोग देखेंगे, लेकिन आप तो नहीं देख सकते ना, हाँ स्थान की महिमा होती है ना, क्या होती है स्थान की, लेकिन आप यदि जाओगे स्वर्ग में तो आप लोग नहीं जाएंगे, मान लो जब गए तो देवता दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, दिखेंगे ना, लेकिन वो लोग आएंगे तो नहीं दिखेंगे, आप लोग जाएंगे तो, हाँ देखेंगे,
तो किसकी महिमा हुई? देवता के महिमा नहीं, स्थान के महिमा है। किसकी महिमा है? स्थान के महिमा है। भाषण भाई ठीक इसी प्रकार से जैसे नचिकेता गया कि नहीं गया, नचिकेता गया शरीर सशरीर चला गया, तो उनको देवता दिखा कि नहीं दिखा? जमराज दिखे? दिखे नहीं दिखे? ठीक है, और जमराज यहाँ आएंगे तो नहीं देखेंगे स्थान के महिमा। अर्जुन भी गया स्वर्ग, गए कि नहीं गए? ठीक है, ये स्थान के महिमा होती। ठीक इसी प्रकार से असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, ये परिभाषा कहाँ की है? वाहौट के पास। इसलिए सपादिका हो गया, सपादिका हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, हाँ वो आ गया किसके पास बताओ? हाँ त्रिपादी में आ गया ना, त्रिपादी में आ गया, तो त्रिपादी में आ करके अपना कार्य करेगा वो, है ना? वो क्या बोलेगा? वो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे बोलेगा नहीं बोलेगा? ये यदि जाएगा, ये यदि जाएगा ना, वो तो बोलेगा तुम तो मेरे लिए है ही नहीं, किसी कीमत के नहीं हो। त्रिपादी का यदि जाएगा सपादी के पास है कि नहीं? कौन त्रिपादी के है? विधि सूत्र। कौन विधि सूत्र है? ये है ना संयोगान दश लोप विधि सूत्र है कि नहीं? लोप करेगा नहीं करेगा? हाँ, वो यदि जाएगा उसके पास, हाँ जैसे मान लिया देवता यहाँ पर आएगा, दिखेगा देवता? नहीं दिखेगा। इसी प्रकार संयोगान लोप है कि वो जाएगा कुछ किसके पास जाएगा? सपादी के पास जाएगा। वो क्या बोलेगा? तुम है ही नहीं मेरे लिए, तुम दिखते नहीं मेरे लिए, है ना? मर्त्यलोक में देवता आएगा तो दिखेगा? इसी बार संयोगान लोप जाएगा किसके पास जाएगा? सपादी के बाद। सपादी का कौन है यहाँ पर? नहीं नहीं परिभाषा कौन परिभाषा है? हाँ असिद्धम बहिरंगम। क्यों क्यों ये सपादी का हुआ? बाहाउट सपादी का है, इसलिए बाहाउट सूत्र सपादी का होने से उसी में परिभाषा पड़ी गई है। कौन परिभाषा पड़ी गई है? असिद्धम, इसलिए इसको भी सपादी के मानी जाएगी। किसको? असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे को। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके पास यदि ये जाएगा संयोगान लोप धन में कि नहीं, तो वो क्या बोलेगा? तुम तो मेरे लिए किसी कीमत के नहीं हो, मतलब है ही नहीं तुम, क्योंकि तुम तो त्रिपादी को, तुम काहे की लड़ाई कर रहे हो लोप करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए। बात समझ में कि नहीं आई? हाँ ये क्या यहाँ पर कह रहे थे कार्यकालम, कार्यकालम में है तो संज्ञा परिभाषा सूत्र किसके पास जाते हैं? विधि सूत्र के पास जाते हैं, तो वहाँ पर दिखेगा नहीं दिखेगा? बात समझ में ना? हाँ इसलिए यहाँ पर कह रहे देखो, इसलिए वो आया परिभाषा यहाँ आ गई ना, किधर आ गई परिभाषा? विधि सूत्र कौन है? संयोगान्त से लोप, और उधर होड़ा भी प्राप्त था, तो इसके पास आ गया। कौन आ गई? कौन परिभाषा है? असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, ये आ गई यहाँ पर, इसको कहते हैं कार्यकालम। समझ में कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? इति पक्षे, दो पक्ष कहा ना, एक तो कार्यकालम संज्ञा परिभाषम और दूसरा पक्ष, हाँ इति पक्षे त्रिपादी के अंतरंगे है कि नहीं? हाँ त्रिपादी के अंतरंगे बहिरंग परिभाषाया। त्रिपादी का कौन सूत्र है? संयोगान्त से लोप होड़ो भी, तो वहाँ पर कौन परिभाषा आ गई बोलो? असिद्धम बहिरंग। ये देखो अंतरंगे बहिरंग परिभाषाया प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति हो जाएगी, लेकिन वो इधर आ गया ना, परिभाषा आ गई। कौन परिभाषा आ गई? असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे आ गई, तो आ गई तो क्या बोल दिया भाई? तुम लोग क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? लड़ाई झगड़ा ना करो, हम बता रहे हैं। क्या बताया वो? असिद्धम बहिरंगम अंतरंग। अरे भाई बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाता है, क्या करने में? अंतरंग कार्य करने में। समाधान कर दिया ना, है कि नहीं? हाँ इसलिए अव्यवस्थायाम व्यवस्था आपातकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम, इसको ही परिभाषा बोलते हैं। अव्यवस्थायाम व्यवस्था आपादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम है कि नहीं?
अव्यवस्था होने पर व्यवस्था करने वाला सूत्र होता है, परिभाषा सूत्र है कि नहीं। अव्यवस्थायाम व्यवस्थापादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। महादेव महादेव महादेव, ठीक है। तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, ये परिभाषा सूत्र आ गया है, आकर के समाधान कर दिया, समाधान कर दिया ना। बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाता है क्या करने में, अंतरंग कार्य करने में। अंतरंग कार्य कौन है, होड़ से हकार को ढकार करना, हकार को ढकार करना, ये हो गया अंतरंग कार्य। अंतरंग कार्य हुआ हकार को ढकार करना। हकार कहाँ है, आ में हो है, है कैसे कैसे विश्वपा भी में हो कहाँ है, है क्यों जी कपिल जी बताओ। नाचल से हो आ गया, अणदी सवर्ण से सूत्र से है कि नहीं, अणदी सवर्ण से सूत्र से है कि नहीं। तो हकार से किसका गण हो जाना चाहिए, आ का गण हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है ना। हो गया, अण में कौन आया, अण में कौन आया, हकार आया, होड़ है ना, होड़ में हो है कि नहीं, ह अपने सवर्ण का बोधक होगा, होगा होड़ में विधियमान कौन है, होड़ में विधियमान कौन है, ढकार है। हकार विधियमान है कि अविधियमान है, अविधियमान अण अपने सवर्ण का बोधक होता है, होता है, होता है कि नहीं। ये हकार किसका बोधक होगा, आ का बोध होगा, अ का जैसे होता है आ का भी हो जाएगा है कि नहीं। यदि प्रश्लेष न करते तो किस सूत्र में, नाजल सूत्र में, इसलिए विषपा भी में ढकार प्राप्त हुआ, मतलब आकार को ह मान करके, ऐसा समझ लो जी। ये हो गया अंतरंग कार्य, कौन हो गया अंतरंग कार्य, होड़ है, इसलिए अंतरंग कार्य करना है मतलब ढकार करना है, होड़ सूत्र से किसको, आ को, आ को ह मान करके ढकार करना है, ये हो गया असित, ये अंतरंग कार्य। और बहिरंग कार्य कौन हो गया, लोप किसका लोप कर रहे थे, आ का ह मान करके, इसलिए संयुगांत से लोप बहिरंग कार्य है, समझ में। और होड़ से ढकार आदेश अंतरंग कार्य, यही यहाँ पर कह रहे, ठीक है। अब पंक्ति आप लोगों को समझ में आ गई है ना, अंतरंगे बहिरंग परिभाषाया भाषाया प्रवृत्ते, इस परिभाषा की प्रवृत्ति हो गई, समझ में आया। आगे लिखे देखो, अंतरंगे ढत्वे कर्तव्य, अंतरंग कार्य हो गया ढत्व मतलब ढकार आदेश, ढत्व का अर्थ ढकार आदेश, हाँ ढकार, ढत्व का अर्थ ढकार आदेश, ढकार आदेश करने में कर्तव्य बहिरंग, वो बहिरंग कार्य हो गया, संयुगांत लोपो बहिरंग कार्य होने से असिद्ध हो जाएगा, वो नहीं लगेगा। इति मत्वा, ऐसा मानते हुए, मान करके उक्तम है ना, क्या कहा गया कि मूल में कहा गया, मूल में क्या कहा गया था, विश्वपा भी ही मूल में क्या कहा था, पढ़ो तेना, हाँ किस किस पेज पर है, 28 नंबर, तेना विश्वपा भी इत्यत्र होड़ इति ढत्तम न भवते, समझ में आया अभी, किस परिभाषा लेकर कहा, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, इस परिभाषा को लेकर के कहा गया, समझ में आया कि नहीं, ये बोलते हैं यहाँ पर है ना। इति एके तत्वदने में, एके एके कहाँ का रूप है, एके कहाँ का रूप है, प्रथमादिवचन एके, प्रथमा का बहुवचन, एक एकौ एके, एक शब्द बहुवचन में चलता है, नहीं चलता कैसे कहा फिर, एक का अर्थ संख्या नहीं यहाँ पर, यहाँ पर अन्य अर्थ में, किस अर्थ में है, अन्य अर्थ में, हाँ अन्य कुछ लोग कहते हैं इसे,
एक का अर्थ यदि प्रधान हो जाए, केवल हो जाए, सुनते हो, अन्य हो जाए तो बहुवचन भी चलता है। एक का यदि संख्यावाचक लेंगे, एक का संख्यावाचक यदि लोगे तो नित्य एक वचन आता है, सुनते हो कि नहीं। यहाँ पर एक एक अर्थ अन्य, मतलब कुछ लोगों ने ऐसा कहा, समझ में है, ठीक है। नहीं तो बोले कि एक के भी कहाँ का रूप है। और अन्य तो, और अन्य देखो, तो अन्य 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 शब्द बनता है, अन्य सर्व का क्या बनता है, सर्व सर्व सर्वे, अन्य अन्य अन्य, ठीक है। अन्य तो संज्ञा पूर्वको विधिर अनित्य, ये तो कई परिभाषा आ गई है ना, संज्ञा पूर्वको विधि अनित्य है ना। देखो संज्ञा पहले करके जो विधि करते हो ना, वो अनित्य हो जाता है, क्या हो जाता है, अनित्य हो जाता है। संज्ञा पूर्वको विधिर अनित्य, अनित्य मतलब जानते हो, अनित्य मतलब क्या है, विकल्प और अनित्य में अलग है। विकल्प मतलब एक बार होगा, एक बार नहीं होगा, अनित्य मतलब कहीं कहीं होगा बस। अनित्य का अर्थ क्या होता है, कहीं कहीं होगा, लिख कर देखो, ये अनित्य मतलब, ठीक है। ये अनित्य भी ये पारिभाषिक शब्द आ गया। क्वाचित कत्वम अनित्यत्वम किम, क्वाचित कत्वम, क्वाचित कत्वम इति अनित्यत्वम, ठीक है। क्वाचित कत्वम, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही आप लोगों के पास मुंबई, आवाज तो जा रही है बट विषय तो जटिल लग रहा है। जटिल लग रहा है, विषांतर है ये, आप टीका छोड़ के मूल मूल कब से चलाएंगे। सब लोग हंस रहे जो पूछ रहे हो। क्या करूं, मेरे को करेंगे करेंगे, थोड़ी सी बुद्धि जो है ना सूक्ष्म हो जाए, है ना, हमको लगेगा कि आप लोगों की बुद्धि सूक्ष्म हो गई, फिर मूल में चलेंगे, ठीक है। ज्यादा समझने लगेगा, मूल में चलेंगे। थोड़ी सी आनी चाहिए ना पहले। थोड़ा सा ज्ञान इसके ऊपर होना चाहिए, फिर उसके बाद मूल मूल चलाएंगे, पूरे टीका से चलाएंगे तो कई साल लग जाएंगे। और क्लिष्ट भी है ना, सबके बस की बात नहीं है, तो तब उतनी पढ़ना नहीं समझ सकते, ठीक है। तो हाँ, अनितत्वम किम क्वाचित कत्वम, क्वाचित कत्वम, अनित्य बोलते हैं क्वाचित का, क्वचित भवति इति क्वाचित कह, लिखो भाई, क्वचित भवति इति क्वाचित क, क्वचित भवति इति क्वाचित क, ठीक है। मतलब क्या अर्थ हुआ, कहीं कहीं होगा, कहीं कहीं होगा, विकल्प में क्या होता है, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, अनित्य में ऐसा नहीं, कहीं होगा नहीं या कहीं होगा, बस ये अनित्य मतलब होता है, समझ में कि नहीं आया। चलो ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो संज्ञा पूर्वक विधि होती है अनित्य होती है, तो संयोगांत से लोप ये संज्ञा पूर्वक विधि है, पहले संयोग संज्ञा करेगा, पद संज्ञा करेगा, तब तो लोप होगा, है कि नहीं, क्यों भाई। इसलिए संयोगांतस्य लोप सूत्र से जो लोप कार्य होता है, वो लोप विधि कैसी विधि हो गई, संज्ञा पूर्वक विधि, वो अनित्य हो गई है। तो यहाँ पर इसलिए नहीं होगा, विश्वपा भी में संयोगांतस्य लोप नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ बोलो, संज्ञा पूर्वक विधि होने से। ये दूसरा समाधान दिया, पहले समाधान क्या था, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, समझ में आया कि नहीं। देखो लिखे यहाँ पर, इति लोपस्य वारणम कथमचित कर्तुम शक्यम इति आशयेन
धातम न इति उक्तम इति आहो, समझ में आ गया नहीं? हाँ, इसलिए डकार नहीं होगा, है ना, इतिहास है ना। विभाषा नित्य दोनों एक ही है। हाँ, वो विभाषा तो अलग होता है, एक ही जैसा ही है मान लो क्या, नहीं अलग अलग। हाँ, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित अन्य तब, यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो तो पर अन्य कार्य भी हो जाता है विभाषा में, अंतर हुआ ना। हाँ, अरे क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव बोल दिया, चार है वहाँ पर जी। तो फिर वो तो बहुल बहुल कार था, बोलता बोलते रहो, विभाषा की बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। विषपाभी इत्यत्र उपलक्षणम, ये विषपा भी उपलक्षण ले लो, है ना, इसी प्रकार विषपाहा है ना, विषपाभ्याम इत्यादि अपि न भवति, ठीक है नारायण। हाँ, इसको बस रहने दो, इतना रहने दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, शांति।